हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल की। एडवांस एक्सेल एक बहुत ही वास्ट टूल है जिसको कि बहुत टाइम से लोग कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पूरा कंप्लीट सीख लें, ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडवांस एक्सेल पर फिर भी क्या हो रहा है कि हर साल एडवांस से एडवांस होते जा रहा है क्योंकि नई नई चीजें उसमें ऐड होते जा रही है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी जर्नी कि किस तरीके से मैंने एडवांस एक्सेल की जर्नी को जिया है इन 15 सालों में। इन 15 सालों के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे एडवांस से और एडवांस किया जा सकता है और अपने काम को और एनहेंस किया जा सकता है, अपनी प्रैक्टिस को और ऑटोमेशन मोड में डाला जा सकता है। तो क्या आप सब रेडी हैं? चलिए तो हम आज शुरू करते हैं कि किस तरीके से मेरी जर्नी चलती है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है एक्सेल 2007, 15 साल पुरानी कहानी है ये। 15 साल पहले जब मैं था 14 साल का और एक्सेल थी 20 साल की। अब एक्सेल 20 साल की इसलिए क्योंकि 1987 में उनका जन्म हुआ था, तब से वो एक्सेल चल रही थी। और हुआ ये था कि उसी समय नया नया उसका नाम बदला था। 2003 से उसका नाम 2007 में कन्वर्ट हुआ था, अपग्रेड हुआ था। अब ये एक उसका फीचर बोल सकते हैं कि उसकी आदत बोल सकते हैं, उसका नाम ना हर 2-3 साल में बदलता रहता था। तो जब भी मैं मिलता था तो उसका नाम हर समय बदला हुआ मिलता था। तो मेरी पहली मुलाकात जब एक्सेल से हुई 2007 में, जब मैं स्कूल में था कंप्यूटर क्लास में मैंने एक्सेल को देखा। एक्सेल को मैंने देखा उस समय एक्सेल 2007 था और वो इतनी एडवांस थी कि उसमें बहुत सारे नए फीचर उसी समय ऐड ही हुए थे। कि एक्सेल 2007 जब 3 से कन्वर्ट हुआ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहली बार उस समय आया था। और मैं क्या हुआ कि नया नया स्टूडेंट हूँ तो नया नया स्टूडेंट किस तरीके से काम करूंगा, मैं उस समय सीखना चालू किया एक्सेल के फॉर्मूले, सम मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज, इस तरीके के मैं फॉर्मूले सीख रहा था। और जो एडवांस एक्सेल थी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पहुंच चुकी थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किस तरीके से होता है, आप मल्टीपल चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं एक कंडीशन के तरीके से और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस लगा के। तो फॉर्मेटिंग का ये बहुत नया तरीका था जो अभी अभी लॉन्च हुआ था, जिसको हम फॉर्मूलाज के मदद से डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए हम उसको यूज करने लगे। फिर आया 2008, ये मेरी स्कूल की जर्नी चली रही थी कि 2008 में मैंने फिल्टर एंड सॉर्टिंग सीखना चालू किया। अब फिल्टर एंड सॉर्टिंग जिस तरीके से होता है, नॉर्मल हम फिल्टरिंग करते हैं सॉर्टिंग करते हैं, पर एडवांस एक्सेल तो उस समय एडवांस थी। तो एक्सेल उस समय क्या कर रही थी, एडवांस फिल्टरिंग कर रही थी। तो एडवांस फिल्टरिंग में क्या होता है, नॉर्मल फिल्टरिंग में हम एक ही जगह पे फिल्टर लगा सकते हैं, पर एडवांस फिल्टरिंग में हम मल्टीपल शीट्स पे उस फिल्टर को लेकर जा सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे एडवांस फिल्टरिंग का काम होता है। अब हम चलते हैं ईयर 2009 में। ईयर 2009 में यहाँ पे चल रहा था इफ फंक्शन, मैंने सीखना चालू किया इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है आप सबको पता होगा, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी है, पर इफ फॉर्मूला का यूज आपने जरूर किया होगा। इफ फॉर्मूला नॉर्मल 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन रहता है, पहला पैरामीटर, दूसरा कंडीटर इफ ट्रू और फिर तीसरा इफ फॉल्स। तो इस तरीके से वो चलता है। तो इफ फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा था, वो मैंने सीखा। और उसके बाद आया 2010 में फिर एक्सेल का नाम बदल गया था, एक्सेल 2007 से एक्सेल 2010 हो गया था। और आप समझ गए होंगे जब भी एक्सेल का नाम बदलता है क्या चीज क्या होता है, वो और एडवांस हो जाती है। तो और एडवांस होती है। तो उस समय मैं सीखना चालू किया चार्ट्स, नॉर्मल चार्ट्स में सीख रहा था, बार डायग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ्स बनाया जाता है वो मैं सीख रहा था। पर उस समय हुआ ये कि एक्सेल को तो और एडवांस जाना था, तो वो ग्राफ को सेल के अंदर कैसे इंसर्ट किया जा सकता है वहां तक पहुंच गई थी। तो उसके लिए स्पार्क लाइंस का जो फीचर है वो उस समय लॉन्च हुआ था, जिसमें कि हम सेल के अंदर चार्ट्स को डिनोमिनेट कर सकते हैं, उसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे जिस तरीके से स्पार्क लाइंस काम कर रहा है, हम देख सकते हैं कि नॉर्मल हम सिलेक्ट करते हैं डाटा को और फिर उसके बाद हम उसके थ्रू सेल के अंदर चार्ट बना सकते हैं। तो ये फीचर्स चलते रहे। फिर आया 2011 में मेरी स्कूल जगह ही चल रही थी, तो मैं उस समय और सीखने की कोशिश कर रहा था। एडवांस एक्सेल से मैं बहुत ही प्रेरित हो रखा था कि कैसे ये इतनी सारी फीचर्स ला रही है। तो उसको मैंने टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर देखा। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, आप डाटा को अलग, अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल रहा है तो उसको अलग अलग डिलिमिटर से आप डाटा को अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉमा से अलग कर सकते हैं, टैब से अलग कर सकते हैं, अगर फिक्स्ड विड्थ से भी अलग कर सकते हैं। तो उस तरीके से नॉर्मल डाटा को आप अलग से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा। अब आ गया साल 2012 में मेरी स्कूल की जर्नी होने वाली थी कंप्लीट। तो एक्सेल के साथ मेरे मुलाकात का आखिरी साल था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको और ज्यादा अच्छे से इस पे मेहनत करूं और इसके सारे फंक्शंस मैं सीख लूं। तो
एक्सेल 2012 में मैंने सारे जितने फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फाइंड एंड सर्च फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जितने फंक्शंस होते हैं, मैंने सोचा कि मैं सारे फॉर्मुलेस पहले एक बार पूरे सीख लेता हूं। तो मैंने ये जितना टाइम दे सकता था मैंने दिया और सारे फॉर्मुलेस को कॉन्कर किए। उसके बाद हम चलते हैं 2013 में यहाँ पे हुआ ये कि सीए की जर्नी मेरी चालू ही हुई थी और मैंने सोचा कि अब तो एक्सेल का काम आएगा नहीं, क्योंकि नया नया हम लोगों ने सीपीटी ज्वाइन किया था, तो वहां तो एक्सेल का कुछ यूज आ नहीं रहा था, तो मेरे को लगा अब एक्सेल की जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई। फिर हुआ ये कि मैंने जैसे ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करी 2013 में, तो वहां पे मेरी मुलाकात फिर से मेरे ऑफिस में एक्सेल से हो गई। अब एक्सेल से मेरी मुलाकात हुई तो उस समय फिर उसका नाम बदला हुआ था और उसका नाम हो गया था 2010 के बाद 2013। और अब आप जान गए हैं 2013 जब नाम हुआ तो क्या हुआ होगा, वो और ज्यादा अपडेट हो गई होगी। तो यहाँ पे उस समय अपडेट फीचर्स आए थे फ्लैश, फील और स्लाइसर, उस समय नया नया ये फीचर लॉन्च हुआ था। अब होता क्या था कि एक्सेल को मैं दो एग्जांपल देता था, वो ऑफिस में रहती थी, मैं उसको दो एग्जांपल देता था कि ये डाटा ऐसा है, वो आगे का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉपुलेट कर दे। मैं बोला ये क्या एडवांस फीचर आ चुका है कि भाई हम नॉर्मल दो एग्जांपल दें और दो एग्जांपल की मदद से वो आगे का पूरा डाटा उसको जज कर ले किस तरीके का होने वाला है। ये फीचर होता है फ्लैश फिल का। और फिर मैंने सीखना चालू किया पाइवट। अब उस समय मेरे ऑफिस में मुझे काम मिला कि आपको डाटा समराइज करना है, तो डाटा समराइज करने के लिए मैंने पाइवट की मदद ली। तो पाइवट में क्या होता है कि हम एग्रीगेट कर सकते हैं डाटा को अलग अलग तरीके से। और उसी समय जब मैं पाइवट सीख रहा था तो एक्सेल को तो मेरे साथ चलना नहीं था, उसको तो मेरे से भी एडवांस चलना था, तो वो एडवांस में चल रही थी स्लाइसर पे। स्लाइसर पे इसलिए क्योंकि स्लाइसर में क्या होता है कि हम पाइवट टेबल को भी फिल्टर कर सकते हैं। अभी तक होता यह था कि हम अलग अलग दो तीन अगर पाइवट टेबल एक शीट पे लगी है तो हम फिल्टर नहीं कर पाते थे उन सारे टेबल्स को अलग अलग एक ही कंडीशन देके। नॉर्मल पाइवट टेबल में एक ही फिल्टर लगता है, पर अगर स्लाइसर लगा दे तो सारे पाइवट टेबल्स को हम फिल्टर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की जर्नी चलने लगी और मैं यहाँ पे स्लाइसर्स और फ्लैश फील्ड्स और पाइवट्स ये सारा काम सीखने लगा। तो ये तरीका होता है कि किस तरीके से हम स्लाइसर यूज करते हैं। और देखिए फ्लैश फिल में जैसे ही दो डाटा हम लिखते हैं और हम कंट्रोल ई या फिर एंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली वो पूरा डाटा अपने आप उसको जज कर लेता है। तो ये फीचर आने लगा। फिर आया 2014 में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक टास्क दिया कि आपको ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट में अपडेट करना है। अब होता यह था, मैंने बोला ठीक है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट किया। अब उन्होंने फिर से नया ट्रायल बैलेंस दे दिया। अब बार बार वो ट्रायल बैलेंस आए और डाटा को फिर भी बार बार अपडेट करना पड़े। तो उसके मेरे को लगा कि अब मेरी जो 12th की जो फंक्शन सीखने की इच्छा थी, जो प्यार था एक्सेल के प्रति, वो अब काम आने वाला था। और मैंने एक्सेल का वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया और वी लुकअप के फॉर्मूले से मैंने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट से लिंक कर दिया। तो ये उस समय के लिए मेरा काम बहुत आसान हो गया। जब मैं आर्टिकलशिप में नया नया था तो इस तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया कि हम अपने काम को कैसे कम कर सके और ऑटोमेट कर सके। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है वी लुकअप में। पहला हमें क्या सर्च कर रहे हैं वो बताना पड़ता है, उसके बाद हमें टेबल अरे सिलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद कौन सा कॉलम को हमें फेच करना है वो बताना पड़ता है, और लास्ट में एग्जैक्ट मैच या हमें अप्रोक्सीमेट फिगर चाहिए ये बताना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने 2014 में ये काम किया वी लुकअप का। फिर आया 2015 में मेरे प्रिंसिपल मुझे काम देते थे कि तुमको डाटा को समराइज करना है। पहले तो जो डाटा था वो अनऑर्गेनाइज आता था, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था। ये बार बार सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही थी। तो फिर मैंने एक्सेल से पूछा क्या इसका कोई तरीका है जिससे मेरे को इतना काम ना करना पड़े। तो एक्सेल ने बताया हाँ बिल्कुल, मैं और ज्यादा एडवांस हो चुकी हूँ और यहाँ पे अब आपको एक फीचर है कि आप नॉर्मल आप जो उसने मेरे मुझे बोला कि तुम एक काम करो, जो भी तुम काम करते हो एक बटन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, वो कर देना ऑन, और फिर जब तुम्हारा काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना और उसको एक बटन में डाल देना। तो जैसे ही तुम वो बटन पे डालोगे तो तुम्हारा सारा काम वो बटन ऑटोमेटिकली कर देगा। तो तुमको बार बार जो रिपीटेटिव काम करना पड़ता है हर दिन, वो नहीं करना पड़ेगा, वो सारा काम ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। तो इस तरीके से मेरी मुलाकात हुई मैक्रो से और मैक्रो में डाटा क्लीनिंग और डाटा मर्जिंग करने से, और इस तरीके से यहाँ पे जर्नी चालू होती है सॉफ्टवेयर मेकिंग की। अब हम चलते हैं आगे 2016 में नोटबंदी का टाइम था। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों की अकाउंटिंग करनी पड़ रही थी, ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया कि सबकी अकाउंटिंग करनी है, कैश बैलेंस निकालना है कि लोगों का कैश बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे होता यह था कि बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट्स आती थी और जिसको हमें जो हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट्स बैठे हैं उन लोग उसको पंच करते थे और वो पूरा एक्सेल पे तो नहीं होता था उस समय, वो नॉर्मल टैली पे वर्क कर रहे थे। अब मैंने देखा कि ये बहुत टीडियस काम है, इसमें टैली में एक बटन तो दिया हुआ है ये इंपोर्ट करने का, तो इसको क्यों नहीं यूज करते इंपोर्ट की फीचर को।
तो इम्पोर्ट में देखे जब उसमें ऑन किए तो वहां पे एक्सएमएल था। अब एक्सेल से डायरेक्ट इम्पोर्ट तो हो नहीं रहा था, हमें चाहिए था एक्सएमएल फाइल। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक्सेल से एक्सएमएल फाइल बना ले। तो एक्सएमएल फाइल बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका मुझे मिला एक्सेल के द्वारा, और एक्सेल में ये बताया गया कि आप नॉर्मल आपका जो टेबल है उसको आप वर्ड फाइल में ले जाइए। अब वर्ड फाइल में जब आप लेके जाएंगे तो वहां पे एक्सएमएल का ऑलरेडी आपके पास फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट में आपको फिगर्स को इनपुट करना है। जब फिगर्स को इनपुट करना था पर एंट्रीज बहुत सारी थी तो कैसे करेंगे, मैक्रोस का वो काम नहीं कर पा रहा था। तो हुआ ये कि उसमें एक फीचर आता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज का फीचर ये करता है कि आपको अगर 1000 नोटिसेस तैयार करनी है रिप्लाई और सब में एक ही टाइप का फिगर रहना है तो आप एक्सेल बना लीजिए, मेल मर्ज का फीचर ऑन कर दीजिए, वो सारी नोटिसेस 1000 नोटिस एक बार में रहेगी। जैसे कि अगर आपको एडजॉइन करवाना है तो उसकी नोटिस रेडी हो जाएगी। वैसे ही आप इसी का फीचर मैंने का यूज किया अपने टैली पे, और टैली पे मैंने सारी बल्क एंट्रीज जितनी बैंक स्टेटमेंट आती थी वहीं की वहीं हम उसको समराइज करते थे, उसमें क्लासिफिकेशन करते थे कि कौन से हेड में जाने ये एंट्री, और उसके बाद हम उसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करके सीधा एक्सएमएल के थ्रू हम टैली में डाल देते थे। तो इस तरीके से इस फंक्शन का यूज होने वाला था। फिर उसके बाद आया पावर क्वेरी। अब हुआ ये कि मैं तो एक्सएमएल ये इतना ही मेरे लिए बहुत एडवांस था, पर एक्सेल को इतने से कहां संतुष्टि थी, एक्सेल को चलना था और एडवांस चलने के लिए एक्सेल ने यूज किया पावर क्वेरी का। अब पावर क्वेरी बहुत ही बढ़िया फीचर लॉन्च हुआ था। अब ये जो बढ़िया फीचर क्यों है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्रो जहां फेल हो जाता है वहां पे पावर क्वेरी चालू होता है, क्योंकि सोचिए वीबीए जो मैक्रोज है उससे भी ज्यादा पावरफुल फीचर है ये। अब ये फीचर का फायदा क्या है कि अगर आप नॉर्मल छोटा बहुत डाटा है तो आप मैक्रोस की मदद ले सकते हैं, एक ऑटोमेशन बना सकते हैं, बट अगर आपके पास बल्क डाटा है, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को आपको अपने सिस्टम पे यूज करना है, फिल्टर करना है, नॉर्मल कुछ एक वी लुकअप फॉर्मूला भी लगाना है तो वो नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो हैंग होने लग जाता है। तो इसीलिए ये पावर क्वेरी फीचर है, इसमें मिलियंस ऑफ डाटा आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं और सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट एक बार आपको पूरा चीजें करनी है, यहाँ पे किस तरीके से डाटा आएगा, कहाँ से आएगा, वेबसाइट से आएगा कि स्टॉक मार्केट के पोर्टल से आएगा, कहीं से भी डाटा लो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें हो जाएगी पावर क्वेरी में, और उसके बाद आपका काम ऑटोमेट हो सकता है इसकी मदद से। फिर आता है 2017 में मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था और यहाँ पे मेरा नई नई मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी, और उसी समय आ गया जीएसटी। अब जीएसटी आया तो जीएसटी में एक फीचर था कि बार बार जो नए लोग थे तो जीएसटी में लोगों को बिलिंग में दिक्कत आ रही थी, फिर उसको ऑटोमेट करने में दिक्कत आ रही थी। तो उस समय मैंने मैक्रो के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया। तो मैक्रो के थ्रू हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली आप कोई भी चीजों पर क्लिक पीडीएफ में जनरेट करेंगे तो पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, एक ही बटन से आप सारा चीज कर सकते हैं, एक्सेल में पोस्टिंग, पीडीएफ जनरेट, प्रिंटिंग, सारा काम एक बटन से होने लग गया। तो उसके बाद आता है 2018 जिस समय हमने एमआईएस डैशबोर्ड बनाना चालू किया। देखिए एमआईएस डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सेल में कि जिसके थ्रू हम बल्क डाटा को एक समराइज वे में एक मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो काफी लोग इसको यूज करने लगे कि किस तरीके से एक बल्क डाटा को एक छोटी सी जगह में डिमॉन्स्ट्रेट करा जा सके। तो जिस तरीके देखिए ये एक एमआईएस डैशबोर्ड का एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है जिसमें किस तरीके से एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दिया जा सकता है अपने जो भी ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, जिसमें कि हमने स्लाइसर की मदद ली है, स्पार्क लाइंस की मदद ली है और जितने भी फीचर्स होते हैं, समझिए आप एक्सेल के सारे फीचर्स को मर्ज कर देंगे तो एक डैशबोर्ड बनना चालू हो जाएगा आपका। फिर आता है 2019 में एक फीचर आया, नया नया फीचर आया था मैप चार्ट का। अगर आप लोग किसी ने यूज किया है मैप चार्ट या तो देखिए मैं बताता हूँ मैप चार्ट क्या होता है। आपको नॉर्मल मैं तो उस समय क्या है पाइवट चार्ट ही मेरे लिए बहुत था कि भाई पाइवट सीख रहे हैं हम, पाइवट चार्ट बना ले वही बहुत है, क्योंकि समराइज्ड वे में एक चार्टिंग मिलता था पाइवट चार्ट में। नॉर्मल चार्ट अलग होता है, एक पाइवट चार्ट एक पाइवट्स के थ्रू बनाया जाता है, तो वो थी मेरे लिए एडवांस फीचर। बट वहां पे एक्सेल को कहां मानना था, मेरे से तो वो 6 साल बड़ी थी तो उसको आगे ही चलना था, वो बहुत ही एडवांस ही चलती थी। तो उस समय उसने मैप चार्ट लिया है। मैप चार्ट में आप अपने डाटा को ऑटोमेटिकली, आपको बस सिटी नेम लिखना है या कंट्री नेम या फिर स्टेट नेम, वो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट बना के दे देगा आपके डाटा का कि आपकी सेल्स कहाँ पे कितनी क्या हुई है, वो आपको ग्राफ में मैप के अंदर वो सारी फिगर्स को डाल के दे देगा। तो ये फीचर आया था मैप चार्ट का। देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है, जैसे हम यहाँ पे जो जो सिटी डालते जा रहे हैं देखिए वहां पे वो डाटा जो है वो पॉपुलेट होते जा रहा है चार्ट के अंदर। तो ये इस तरीके से मैप चार्ट काम करता है, और नॉर्मल पाइवट चार्ट किस तरीके से काम करता है वो आप एक छोटा सा डेमो देख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है कि मुझे आपको जितनी एडवांस हो सकती है एक्सेल उसकी उससे रूबरू कराना है कि आपको पता चले कि वो कितनी एडवांस हो चुकी है। उसके बाद आया 2020 में, अब कोरोना का समय था तो मार्केट बहुत जल्दी गिरा और उसके बाद उठाना चालू हुआ, तो इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हो गया,
तो यहाँ पे वैसे ही मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉक मार्केट के पूरे डाटा को एक्सेल में लाया जाए और उसको पूरा एनालाइज कर दिया जाए, तो मजा आएगी, एक नया एडवेंचर रहेगा। हमने चालू किया, तो चालू किया तो हमने देखा इतना बल्क डाटा है और एक दूसरे से डाटा को लिंक करना है, एक टेबल इधर है एक टेबल उधर है, इन सबको में वीलुकअप लगाते रहेंगे तो इतना तो फाइल ही फाइल उसको सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि फाइल का क्या रहता है कि एक छोटा एक लिमिटेड पावर रहती है एक्सेल की, वो उतना ही डाटा को हैंडल कर सकती है। तो हमने फिर देखा कि इससे और एडवांस क्या हो सकता है, तो एक्सेल से पूछा, तो एक्सेल ने बोला तुम क्यों ना मेरा एक दूसरा सॉफ्टवेयर है पावर बीआई, उसको यूज करो। पावर बीआई अगर आप यूज करोगे तो आप बल्क में स्टॉक मार्केट का डाटा भी लेकर आ सकते हो एक्सेल के अंदर, फिर उसके बाद सबको लिंक भी कर सकते हो बिना वीलुकअप लगाए। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका की बताना है कि क्या चीज कॉमन है हर टेबल में और वो आपस में लिंक हो जाएंगे, और फिर आप उसको ग्राफ के थ्रू देख भी सकते हो और उसमें जज फाइनल डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये कुछ फीचर होते हैं जो कि पावर बीआई के हैं। इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है जो दिखता है और आपको ऐसी डैशबोर्ड्स बना के देता है जो पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक रहती है, जिसमें कि स्टॉक मार्केट डाटा रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होएगा और आपको ऐसे एनालिसिस करके देगा। फिर आता है 2021 में फिर से एक्सेल का नाम बदल गया था, और हुआ ये कि इस समय मेरी जो अब मैं इस समय डीसा मेंटर बन गया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्लाउड का की मदद लेनी पड़ती थी, और क्लाउड से होता भी ये था कि उस समय कोरोना था तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो हमें क्लाउड की के थ्रू ही हैंडल करना पड़ रहा था एक्सेल की फाइल्स को। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिसीजन लिया कि हम इसका नाम अब बदलते हैं ऑफिस 365, और ये नाम अब ऐसा रहेगा कि ये कभी नहीं बदलेगा। ये ऑफिस 365 अब लाइफ टाइम यही नाम चलने वाला है, और यही अपडेट इसी में ही जो अपडेट्स आने हैं वो आएंगे जो ऑनलाइन वर्जन पे आएंगे, और जो पूरा जो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डलते हैं वो अब हो गया है डिसकंटिन्यूड, अब वो बंद हो चुका है। तो अब यही वर्जन चलने वाला है ऑफिस 365, जिसमें कि बल्क बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए गए ऑनलाइन वे पे। उसके बाद आता है 2022 जो कि आज अभी चल रहा है, और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और एडवांस वर्जन पे एक्सेल के, और एक्सेल के एडवांस वर्जन में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पावर ऐप जैसी चीजें। अब ये क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये बिजनेस का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तब ये ऐप्स यूज करने मिलता है। जैसे हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑफिस का तो ये फीचर्स नहीं आते हैं, पर अगर हम बिजनेस प्लान ले लें तो ये फीचर्स हमको मिलने चालू हो जाते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सचेंज है वो आपको खुद का मेल सर्वर देता है, कि आप अपने डोमेन के आगे एक अपना नाम rajat@xyz.com, तो आप इस तरीके से अपनी मेल बना सकते हैं, और फिर उस मेल के में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं और खुद का उसमें फिल्टर्स, और जैसे कि आप फायरवॉल रहता है वो खुद का लगा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आए, और उसके बाद लास्ट जो फीचर जो अभी मैं खुद इस चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ और उसके में और एक्सप्लोर करके ऐप्स बना बना के दे रहा हूँ मैं लोगों को, तो वो है पावर ऐप्स। पावर ऐप क्या करता है, एक्सेल के डाटा को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से आप अपने जितने भी आपके वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनको आप दे सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पे अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि आप वहां से डाटा इनपुट करवा सकते हैं कोई भी कस्टमर्स का, और फिर डायरेक्टली वो आपके एक्सेल में अपडेट होता जाएगा। इस तरीके से ये पावर एप्स यूज हो रहा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही है। तो ये जो लेवल है एडवांस एक्सेल का वो यहाँ तक पहुंच गया है, जिसको मैंने अपने पूरी लाइफ में मैंने कैसे जिया है उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको इसकी जो एडवांस जो चीजें हैं उसमें एक आइडिया मिला होगा कि क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या हम सीख सकते हैं। देखिए सीखने के लिए तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि आपको ये बता सकूं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, जिसके लिए आप अभी जैसे मैंने अपनी जो जर्नी है यूट्यूब के वीडियोस देख देख के सीखा, प्रैक्टिकल यूज कर करके सीखे हैं, तो आप भी उस तरीके से सीख सकते हैं। बट ये है कि आपको एक आइडिया होगा कि कहाँ तक जाना है और क्या सीखना है, और हम इसको किस तरीके से अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को आसान बना सकते हैं और फुली ऑटोमेशन मोड में डाल सकते हैं, ताकि हम अपने और भी जिंदगी को जी सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं आज की ये एक्सेल जर्नी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्पीच को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।